साथियों सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई तागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगा। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, किसी ने एक रोज़ा रखा है वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हीं गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन, सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सेवैयाँ खाएँगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत, दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजी की भेंट हो गया और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता ना चला क्या बीमारी है, कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही रहती थी, और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियामते लेकर आएंगे तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और शम्मी कहाँ से इतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है, आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को, इस घर में उसका काम नहीं। लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा, विपत्ति, अपना सारा दल बल लेकर आए। हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है, गाँव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है, उसे कैसे अकेले मेले जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो, नहीं अमीना उसे क्यों न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवैया कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती, यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते लगेंगे। मांगे ही का तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली जाती थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती।
हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। धोबन और नाइन और मेहतरानी और चुड़ियारिन सभी तो आएंगी, सभी को सेवैया चाहिए। और थोड़ा किसी की आँखों नहीं लगता, किस किस से मुँह चुराएगी और मुँह क्यों चुराए, साल भर का त्यौहार है। ज़िंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब के सब दौड़ कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं, हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया, सड़क के दोनों ओर अमीरों के बागीचे हैं, पक्की चार दीवारी बनी हुई है, पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहाँ से एक फरलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगीं। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे, सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं, ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे, और क्या, क्लब घर में जादू होता है। सुना है यहाँ मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूछों दाढ़ी वाले, और मैमें भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही ना सके, घुमाते ही लुढ़क जाए। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, चलो मनो आटा पीस डालती है, ज़रा सा बैट पकड़ लेंगी तो क्या हाथ कांपने लगेंगी। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। किसी मैम को एक घड़ा पानी भरना पड़े तो आँखों तले अंधेरा आ जाए। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती। मोहसिन, हाँ उछल कूद नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी तो अम्मा इतना तेज दौड़ी कि मैं उन्हें न पा सका। सच। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई, आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना, एक एक दुकान पर मानो मनो होंगी। सुना है रात को जिन्नाद आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है। बिल्कुल ऐसे ही रुपए, हामिद को यकीन ना आया, ऐसे रुपए जिन्नाद को कहाँ से मिल जाएंगे। मोहसिन ने कहा, जिन्नाद के रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाएँ, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते। जनाब, आप हैं किस फेर में, हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं, जिससे खुश हो गए उसे टोकरों जवाहरात देती हैं। अभी यही बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएं। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं। मोहसिन, एक एक आसमान के बराबर होता है जी, ज़मीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे, कोई मुझे वह मंत्र बता दे तो एक जिन को खुश कर लूं। मोहसिन, अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत सी जिन्नात हैं, कोई चीज़ चोरी हो जाए चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था, 3 दिन हैरान हुए कहीं ना मिला, तब झक मार कर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है और वहीं मिला। जिन्नाद आकर उन्हें सारे जहां की खबर दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया, चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान है।
आगे चलें, यह पुलिस लाइन है, यही सब कांस्टेबल कैद करते हैं। रैटन फाइव हो, रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरिया हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत यहीं चोरी कराते हैं, शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। जब इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं, मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपया महीना पाते हैं लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। अल्लाह कसम मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपये कहाँ से पाते हैं, हंस कर कहने लगे बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। हामिद ने पूछा यह लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं। मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखा कर बोला अरे पागल इन्हें कौन पकड़ेगा, पकड़ने वाले तो यह लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है, हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई, सारी लेई पूजी जल गई, एक बर्तन तक न बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे, फिर न जाने कहाँ से 100 कर्ज लाएँ तो बर्तन भाड़े आए। हामिद 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं, कहा 50, कहा 100, 50 एक थैले भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी न आए। अब बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने वाली टोलियां नज़र आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर संतोष और धर्म मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थीं, जिस चीज़ की ओर ताकते ताकते ही रह जाते और पीछे से बराबर हार्न की आवाज़ होने पर भी न चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा, सहसा ईदगाह नज़र आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है, और रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं, पक्की जगत के नीचे तक, जहाँ जाजिम भी नहीं है, नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं, आगे जगह नहीं है, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था, लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही प्रक्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए, और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा गर्व और आत्मानंद से भर देती थीं। मानो भातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए, यह चरखी है, लकड़ी के हाथी घोड़े ऊँट छड़ों से लटके हुए हैं, एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और शम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं, हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास हैं, अपने कोष का एक तिहाई जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे, इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती और धोबिन और साधु, वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहते हैं, मामू सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है अभी कायद लिए कि ये चला आ रहा है। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए है, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेला ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है और कैसी विद्वता है उसके मुख पर,
काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। यह सब दो दो पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, ज़रा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के? मोहसिन कहता है, मेरा भिस्ती रोज़ पानी दे जाएगा साँझ सवेरे, महमूद और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक फायर कर देगा नूरे, और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा सम्मी, और मेरी धोबिन रोज़ कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाए, लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि ज़रा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं, किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है, अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता, ललचाई आँखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ यह केवल क्रूर विनोद है, मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है, हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और शम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा अब की जरूर देंगे। हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? शम्मी, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या किया लोगे? महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ। हामिद, मोहसिन बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन, लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गीलट और कुछ नकली गहनों की, लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, कई चिमटे रखे हुए थे, उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियाँ उतारती हैं तो हाथ जल जाता है, अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगे, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगे, घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी, खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं, ज़रा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने को कोई आंख उठाकर नहीं देखता, या तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेंक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती है। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए, सबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं, मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो, अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगे, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़े ही लिखी हैं, मेरी जुबान क्यों ख़राब होगी? अम्मा चिमटा देखते ही दौड़ कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगे, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है, इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यो मिजाज दिखाते हैं, मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊँगा, खेले खिलौने और खाए मिठाइयाँ, मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूँ, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगे तो नहीं जाता, आखिर अब्बा जान कभी न कभी आएंगे, अम्मा भी आएंगी, फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे, एक एक को टोकरियों खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है।
यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़िया ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है, हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देख कर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं? तो बताते क्यों नहीं के पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो लो, नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पटक कर कहा, जरा अपना भिस्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पतलियाँ चूर चूर हो जाए बचा के। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। शम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? दो आने की है। हामिद ने खंजरी की उपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी, ज़रा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए हैं, मोहसिन, महमूद, शम्मी और नूरे एक तरफ, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है। शम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पद से जा मिला, लेकिन मोहसिन, महमूद, नूरे भी हामिद से एक एक दो दो साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे हैं। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक ओर मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है वह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिस्ती के छक्के छूट जाए, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चौके में मुंह छिपाकर ज़मीन पर लेट जाए, मगर या चिमटा या बहादुर या रुस्तम हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता? हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिस्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुँचाई, अगर बचा पकड़ जाए तो अदालत में बदे बदे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब ना दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, या सिपाही बंदूक वाला? हामिद ने मुँह चिढ़ा कर कहा, या बेचारे हम बहादुर रुस्तम हिंदू को पकड़ेंगे? अच्छा लाओ, अभी ज़रा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुँह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुरी कूदते हैं जनाब, तुम्हारे यह वकील सिपाही भिस्ती लेड़ियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो यह रुस्तम हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी में जो बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क ने शम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया, कितने ठिकाने की बात कही है पट्ठे ने, चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खासी गाल गलौज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने की वाली बात छा गई, ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुँह ताकते रह गए मानो कोई धेलचा
कनकौवा किसी गंडे वाले कनकवे को काट गया हो, कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज़ है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया, उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। अब इसमें मोहसिन महमूद नूरे शम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, हामिद को भी मिला। औरों ने तीन तीन चार चार आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज ना दे सके। हामिद ने तीन पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे, हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संध की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तो हमारा भी हिस्ट्री लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद की शर्तों के मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच या चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा, मालूम होता है अब बोले। लेकिन मोहसिन की पार्टी के लिए संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया, चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा। महमूद, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मारना पड़े, अम्मा ज़रूर कहेंगे कि मेले में ही मिट्टी खिलौने तो मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को देखकर उस किसी की माँ इतनी खुश ना होंगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। तीन पैसों ही में तो उसे सब कुछ करना था, उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत न थी। फिर अब तो चिमटा और उस समय हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझ ही बनाया, उसके अन्य मित्र मुँह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई, मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियां भिस्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई, दोनों खूब रोए। उसकी अम्मा यह स्वर सुनकर बिगड़े, दोनों के ऊपर से दो दो चाटे और लगाए। मियाँ नूरे के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठा अनुकूल इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में दो खुटिया गाड़ी गईं, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने पंखा झूलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे रहते हैं, क्या यह मामूली पंखा भी न हो, कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाए कि नहीं। बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ रहे हैं और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर से शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूर पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही, उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों चले और पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से छोने वाले जागते रहो पुकारते चलते हैं, मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूट कर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक ले जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है, उसको ऐसा मरहम मिल गया है जिससे वह टूटी टांग को अन फनम जोड़ सकता। केवल गुलर का दूध चाहिए, गुलर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही का को ज्यों ही खड़ा किया जाए टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया असफल हुई तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है, अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ सकता है। एक टांग से तो न चल सकता था न बैठ सकता था, अब वह सिपाही सन्यासी हो गया है, अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है, कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफा खुरच दिया गया, अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो, कभी कभी तो उससे बाँट का काम भी लिया जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए, अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी, यह चिमटा कहाँ था, मैंने मोल लिया है। के पैसे में, तीन पैसे दिए, अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया,
लाया क्या चिमटा, सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली। जो है लोहे का चिमटा उठा लाया, हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने उसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते, मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे, वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद के चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था, बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। बस इतनी सी थी ये कहानी।